Hello guys, welcome back to my channel Dark Wild Gamer. So guys, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो guys आप पूरा देखिएगा. आज की वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है guys, so पूरा देखना तो बनता ही है. So guys, आज यार Call of Duty, जैसा कि आपको पता है कि Call of Duty ने बहुत सारे अपडेट दिए टेस्ट सर्वर में, इसमें ग्लोबल वर्जन में भी दिए हैं लेकिन कम दिए हैं, लेकिन टेस्ट वर्जन में तो बहुत ही दिए हैं. सो गाइस, आप मैं आज उन सारे को बताऊंगा, तो आप किसी को भी मिस मत कीजिएगा. सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, पहला पिक आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिक है रिपेयर पजल की. गाइस मैं आपको जूम कर भी दिखा दूंगा. सो गाइस, ये थोड़ा रोबोटिक लग रहा है यार, इसे देख के तो मुझे लग रहा है कि ये जो साइड से आप फिर से पिक देख सकते हैं, वो मुझे थोड़ा वो रूबिक्स क्यूब होता है ना गाइस, उसी तरह लग रहा है. तो गाइस, अब अगले स्किन पर बढ़ते हैं. तो गाइस, पहले बताना चाहूँगा कि गाइस बहुत ही ज़्यादा स्किन भेजे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने, कि क्या कहें यार, सीज़न 5 में पूरे एक साल के स्किन दे देंगे क्या उन लोग. गाइस टोटल 13 पिक्स है, 12 और 13 पिक्स है मेरे पास. तो गाइस मैं आपको वो सारी दिखाऊंगा. तो गाइस चलिए अब अगले पिक की ओर बढ़ते हैं. तो गाइस अगला पिक है क्या, ये स्पेशल ओप 3 का है. ओके गाइस, इसका वेट ये देखिए, इसका पिक. सो गाइस, इसका नाम है स्पेशल ओप्स 3 इल्यूजनल क्यूब. तो गाइस बहुत ही अच्छा स्किन लग रहा है, अगर हम लोग को फ्री में मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो लास्ट टाइम हम लोग को फ्री में मिला था स्पेशल ओप्स 3 आर्टिक. ओके गाइस, तो ये मिला था हम लोग को लास्ट टाइम, जो कि फायर क्रैकर्स जमा करने पे मिला था. ओके तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्किन की ओर. तो गाइस नेक्स्ट स्किन है ये देखिए, फायर ब्रेक पांडा. तो गाइस ये स्किन मुझे कुछ खास तो नहीं लगा यार, लेकिन ठीक ही ठाक है. तो गाइस इस स्किन के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन नीचे जो मैं पढ़ के तो नहीं बताऊँगा, आप पढ़ लीजिएगा, नीचे जो चीज़ लिखा है फायर ब्रेक के बारे में, तो वो आई थिंक पहला 3-4 वर्ड, 2-3 वर्ड. सो गाइस नेक्स्ट स्किन है हम लोग का ये आउटराइडर मिस्टेक. तो गाइस जैसा कि पता है कि सीज़न 3 के स्टार्टिंग में एक लॉगिन इवेंट आया था, कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से लॉगिन करेगा उसे आउटराइडर आर्टिक मिलेगा. लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउटराइडर मिस्टिक है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा कैसे स्किन दे रहे हैं यार, बहुत स्किन है. चलिए गाइस, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्किन की ओर. सो गाइस अगला स्किन है रुइन एक्शन फिगर. सो गाइस जैसा कि हम लोग को पता है कि रुइन एक कैरेक्टर है जो प्रेजेंट टाइम में ग्रीन कलर का है, लेकिन गाइस यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर का कैरेक्टर दिया गया है या फिर बॉक्सर का. गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है. गाइस आई थिंक इनके हाथ में ये थोड़ा पावर है और ये दौड़ भी तेज सकते हैं. तो गाइस इतना इस रोइन एक्शन फिगर के लिए एक्सप्लेनेशन काफ़ी था. तो गाइस अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पिक्चर की ओर, जो कि है गाइज अगले स्किन पर आते हैं. तो अगला स्किन है स्पेक्ट्री गीस्ट. तो गाइज ये इसका चेहरा ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा है, आई थिंक इन्होंने मास्क पहना है. तो गाइज इसमें बताया गया है कि स्पेशली स्पेक्ट्री इन गीस्ट फॉर्म विद हिज सर्जिकल प्रिसिजन
his enemy show no sign of struggle. मतलब कि guys जब ये shoot करेंगे, जब ये किसी enemy को kill करेंगे, तो guys enemy जो मर रहा होगा, guys उसके ऊपर कोई struggle नहीं आएगा, वो सीधे से मर जाएगा. मतलब बहुत ही hard skin है. तो guys अब अगला skin है ruin spats. तो guys एक और ruin आ गया. तो guys अभी गाइज मैं ये स्किन दिखा रहा हूँ आपको. गाइज आप पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हैं और शैडो भी देख सकते हैं कि गाइज इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है स्किन को बनाते हुए. ये कॉल ऑफ ड्यूटी ऑफिशियल स्किन है. तो गाइज ये रूइन स्पेट्स कुछ अच्छा लग रहा है गाइज. कोई स्किन ख़राब तो नहीं बोल सकते, मेहनत से बनाया जाता है. तो गाइज अब बढ़ते हैं. गाइज अगला स्किन है ये स्किन है रीपर का. तो गाइज ये मुझे लग रहा है कि सीजन 5 का मेन स्किन होगा, जो फर्स्ट स्किन कहा जाता है. अगर गाइज ये होगा तो मैं बैटल पास जरूर खरीदूंगा. गाइज इसमें बता रहा है इस रीपर के बारे में कि एक्सपेरिमेंटल वॉर रोबोट्स 115 इन द बेस यूनिफॉर्म. ओके तो गाइज ही वंस हैड हाई अटैक बट वाज डिस्ट्रॉयड. No one knows why has been cited nowadays. Okay guys, तो ये बहुत ही विचित्र स्किन है, बहुत ही अनोखा स्किन है. गाइज इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती है. तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. तो गाइज बढ़ते हैं अब अपने अगले स्किन पर. तो चलिए अब अगले स्किन को देखते हैं. सो गाइज अगला स्किन मुझे लग रहा है कि रीपर सेकेंड स्किन होगा. डेविड मेसन है अगला स्किन, जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख सकते हैं. तो गाइज डेविड मेसन का मैंने पहले ही बता दिया था कि एलेक्स मेसन के बेटे डेविड मेसन आएंगे कॉल ऑफ ड्यूटी सीजन 5 में. अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो गाइज डिस्क्रिप्शन में है वो वीडियो अबाउट सीजन 5 करके. तो जाइए गाइज उसे फटाक से देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि ये स्किन कैसा लगा. तो गाइस डेविड मेसन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं. तो गाइस इनके बारे में कुछ खास बात करने की मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत है. तो गाइस चलिए अपने अगले स्किन पर. सो गाइस अगला स्किन है रूइन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो गाइस अभी तक हम लोग ने तीसरा रूइन कैरेक्टर देख लिया है और गाइस चौथा तो अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में है ही. तो गाइस इस स्किन को यार बड़ा मस्त लग रहा है स्किन. गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला स्किन कैसा लग रहा है, क्योंकि गाइस रूइन 4 कैरेक्टर हैं यार अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में. यार कितने कैरेक्टर रखेंगे. तो गाइस चलिए अब अपने. सो गाइस ये कैरेक्टर मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसा कैरेक्टर देगा. गाइस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइस ये है फैंटम ई स्पोर्ट्स. गाइस इसका कलर ही देख के लग रहा है कि गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इसे देंगे कि नहीं. मुझे लग रहा है ये फेक है. तो गाइस अब बढ़ते हैं कुछ अपने अगले पिक्स की ओर. गाइस इस पिक के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फैंटम ई स्पोर्ट के नीचे जो बॉक्स बना है उसमें कुछ लिखा नहीं है. तो गाइस ये भी हो सकता है कि किसी ने या फेक फोटो बनाया हो. तो गाइस चलिए अब अगले. गाइस ये सीज़न 4 का फ्रेम है जो कि बैटल पास खरीदने के बाद मिलता है. तो गाइस चलिए बहुत ही अच्छा फ्रेम दिया है उन्होंने. यार मुझे लग रहा है कि सीज़न 4 मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा. और जैसा कि सीज़न 1 में घोस्ट वगैरह थे, तो भूतिया एक तरह से भूतिया सीज़न कह सकते हैं. सीज़न 2 में बर्फीले कैरेक्टर थे एलेक्स मेसन, उसमें इमोट भी स्नोमैन का था, तो उसे स्नोमैन सीज़न भी कहा जा सकता है. स्नो सीज़न. सीज़न 3 फैंटम और एफटीएल थे. तो गाइस उसमें गाइस वो थोड़े फॉरेस्ट टाइप के थे. और गाइस इस सीज़न में सोप है, तो वो भी थोड़े फॉरेस्ट टाइप के हैं. तो गाइस अगला पिक्चर है ये स्कल. सो गाइस अगला पिक्चर है ये स्कल टाइप का पिक्चर आपको थोड़ी देर में 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड बाद दिख जाएगा. तो गाइस इसी पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ.
तो गाइस इस जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं तो फिर ऊपर जैसे कि बहुत किल करते हैं एमपी या बीआर में तो ऊपर आता है सिंबल टाइप का, तो गाइस वैसा ही कुछ लग रहा है लेकिन ये कुछ डेंजर वाला साइन लग रहा है। गाइस गाइस तो आज के लिए बस इतना ही यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, करीब 3-4 घंटा तो खोजने में लगा है। और गाइस अभी मैं सुबह ही कभी, तो गाइस कितना टाइम हो रहा है मैं देख के बताएं, तो गाइस अभी 8 बजने में बहुत टाइम बाकी है। तो गाइस यार सोच लो इतने पहले सुबह उठ के इतना मेहनत करके इतना बनाया, इस बैकग्राउंड इरेजर से इरेज किया, फिर थंबनेल बनाया, फिर गाइस गाइस अभी बहुत काम बाकी है। तो गाइस इतने मेहनत में तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो गाइस लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि गाइस आपको कौन सा कैरेक्टर बेस्ट लगता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। गाइस तब तक टेस्ट सर्वर खेलिए, मैंने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं नहीं खेलूँगा। तो ओके गाइस बाय 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 बाय।